बिलावल भुट्टो ने भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा पहले ऐवान फिर मुल्क को फंक्शनल करे, आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट चल सकती है ना ही कोई और इदारा, हुकूमत लड़ाई झगड़े में लगी रही तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। अगर आप भी वही करेंगे जो पीटीआई ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब, कहा पीटीआई अपने बानी का केस लड़े लेकिन ऐवान में आकर अपनी जिम्मेदारी भी निभाए, अगर वज़ीर आला गालियां दे, जज को इंतकाम का निशाना बनाए, चढ़ाई की धमकी दे तो अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। हाउस को पहले फंक्शनल करे फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सके। आइन का बलदस्ती के बगैर ना ये इदारा चल सकेगा ना कोई और इदारा चल सकेगा। हुकूमत का सिर्फ काम ये होगा, फायर फाइटिंग के बजाय हम उस आग पे मजीद तेल डालेंगे तो आपका भी काम नहीं होगा। और अगर इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है, बिलो द बेल्ट हिट करना है, तो ना वो अपना जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं ना वो अपना काम कर सकेंगे। इनकी जमात के सियासतदान जेल में है। चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी ये है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रही, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। अगर हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है, पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से दें, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। से ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है, आप लड़े उनका केस बैरिस्टर साहब, आप जेल में लड़े, आप अवाम के मैदान में लड़े, यहां आके अवाम का खिदमत करे, अवाम का काम करे। वजीर दिफा ने कहा जलसे में रेड लाइन क्रॉस की गई, आईनी हुदूद पार हुई, वजीर आला ना ऐसी जबान इस्तेमाल करते ना गिरफ्तारियां होती, हमारी पूरी कयादत गिरफ्तार रही, ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की। खाचा आसिफ का खिताब, कहा एहतजाज करें लेकिन पार्लियामेंट के तकद्दस की हदें उबूर ना करें, जो हुआ उसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता, पुलिस का आना बाइस से शर्म है, कोई वजीर आला के अमल की भी मजम्मत करे। तकारीर हुई उस दिन यहां जलसे में और जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। अगर ये वाकया आइसोलेशन में हुआ होता, उस रिएक्शन में ना हुआ होता तो मैं इसको जरूर कंडेम करता, लेकिन जब आप हदूद क्रॉस करते हैं, आप जब फेडरेशन को चैलेंज करते हैं, आप आइन को चैलेंज करते हैं, जब आप जमहूरियत की बुनियादों को जो है कमजोर करते हैं कि आप लश्कर लेके आएंगे पंजाब के पे हमला आवर होंगे, आप जो है बारात लेके जाएंगे नाम लेके मरियम नवाज का, ये इस किस्म की बातें जो है ये खुदकशी के मुतरादिफ हैं। अगर परसों रात जो है को उसमें कोई लाइनें क्रॉस हुई, कोई लाइन क्रॉस हुई तो उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हो गई, आइन की, फेडरेशन की, इस मुल्क की वादत की और इखलाक की तो बात जाने दें, उस इख्तलाफ से आप कम अज कम इस मुल्क की वादत को, इस ऐवान को, आइन को जो है वो श्रेडर में तो ना डालें। हमारे साथ वाली बिल्डिंग है, सबको पता है कौन किसके साथ है, अक्टूबर का नाम लेके जो है बाकायदा हमारे दोस्त जो आइल के उत्तर बैठे हैं वो उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, बकायदा बयान देते हैं उसके ऊपर। सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस न करें, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कौमी असेंबली में गुफ्तगू, कहा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना स्पीकर का इख्तियार है, हमें कोई एतराज नहीं। जरूर करें लेकिन जैसे खायद साहब ने फरमाया कि एक जो रेड लाइन है उसको क्रॉस ना करें, बिलो द बेल्ट सियासत ना करें। अगर हम आपस में ही उलझाव में लगे रहेंगे तो फिर काम क्या होगा, वही होगा जो आपने रिसेंटली तीसरी दफा देखा, तीसरी दफा इस पार्लियामेंट के वकार को बदतरीन तरीके से मजरूह किया गया। ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया, वीडियोस मौजूद हैं, जायजा ले लें, फॉरेंसिक भी करा सकते हैं, हकीकत सामने आ जाएगी, वजीर इत्तला तथा तारण का दावा, अपोजिशन का शोर शराबा, गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद कराने का मुतालिबा। पूरा हाउस स्पीकर के पीछे खड़ा है, कहीं से कोई ये आवाज नहीं आई कि स्पीकर को यह काम नहीं करना चाहिए। कुछ वीडियोस आपके भी नोटिस में आई, कुछ एविडेंस सामने आया कि हाउस के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया, ये एविडेंस सामने आया।
सुन लें, वो तहकीक कर लें। स्पीकर ऑफिस में वो रिकॉर्ड मौजूद है कि बाहर नाके के ऊपर सुन लें बात। वो वीडियो एविडेंस स्पीकर ऑफिस में मौजूद है, वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दें, कह दें वो गलत है। जलसा तो बहाना था, असल निशाना हमारे अरकान थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की कौमी असेंबली में गुफ्तगू, दावा किया हम बाहर से गिरफ्तार नहीं हुए, ऐवान के अंदर ही मौजूद थे, नकाब पोश आए थे, सवाल किया दरवाजे की चाबियां किसके पास थी, लाइटें किसने ऑफ कर दी, इसकी तह तक जाए। अरकान को जिस अंदाज से उठाया गया है ये तारीख में याद रखा जाएगा। लगता है हुकूमत एक जलसे की मार है, हमेशा कहा मुजाकरात करो, बात करो, रास्ता बंद न करो। बाहर से अरेस्ट नहीं हुए थे, वो ईवान के अंदर मौजूद थे, नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया है, वो चाबियां किसके पास थी जो दरवाजे खोलते थे, वो लाइटें किसने आपकी, इसके तह तक जाएं। मैंने साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। लगता है ये हुकूमत फकत एक जलसी की मार है। हमारा इरादा जो था वो 6 बजे से पहले जलसा खत्म करने का था, लेकिन इवन वजीर आला नहीं पहुंच सका, वो रास्ते सारे के सारे बंद थे। ये जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए, लेकिन ये बिकने वाले नहीं है इंशाल्लाह ताला, ये हर हाल में खान के साथ हो। मैंने हमेशा कहा है कि मुजाकिरात करो, बात करो, रास्ता बंद ना करो, रास्ता निकालो इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। जनाब स्पीकर, इसको आप कमजोरी ना समझना, हम अगर जबरदस्ती करने पर आए तो आपकी भी केपीके से आई है, वहां हमारी हुकूमत है, हम हर एक आपके खिलाफ पर्चा करेंगे, क्या कर लोगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान का गिरफ्तार, अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। खिताब में कहा हमारी दरख्वास्त पर स्पीकर ने जबानी तौर पर गिरफ्तार अरकान को पेश करने का हुक्म दिया, मगर इस्लामाबाद पुलिस ने अभी तक स्पीकर के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। बोले तमाम अरकान जारी इजलास में मौजूद थे, अगर अददी अक्सरियत है और कोई कानून साजी करनी है तो जरूर करें, लेकिन हमारे बंदे तोड़ कर नहीं, इसके लिए अपोजिशन को गिरफ्तार करना नामुनासिब और ऐवान की बेतौकीरी है। ऑर्डर की रिक्वेस्ट हमने की और वर्बली जनाब स्पीकर साहब ने ऑर्डर्स दिए इस्लामाबाद आईजी साहब को कि आप उनको प्रोड्यूस कीजिए। अभी तक स्पीकर साहब के ऑर्डर्स पे इस्लामाबाद पुलिस ने, आईजी साहब ने, इस्लामाबाद इंतजामिया ने अमल नहीं किया। अगर कोई शख्स बाहर से पुलिस से भाग के यहां पनाह लेता है वो गलत है, कोई भी बाहर से भाग के नहीं आया, ये रनिंग सेशन था, सेशन चल रहा था और हमारे मेंबरान को पकड़ पकड़ के बाहर उठाया जा रहा था। कोई आपने लेजिस्लेशन लानी, आप कहा कि आप लाएं, अगर आपके पास अददी अक्सरियत है, अपनी अददी अक्सरियत, हमारे बंदे तोड़ के नहीं, हमारे बंदे उठा के नहीं, आप शौक से लाइए, लेकिन उसके लिए पूरी एक एक अपोजिशन को आपने उठा के ले गए, आप उनको गिरफ्तार करके ले गए, ये नामुनासिब है, ये इस ऐवान की बेतौकीरी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का महमूद खान अचकज़ई से शिकवा भी सुनिए। उन्होंने कहा आपने वजीर आजम से मुतालिक एक बात की जिस पर दुख हुआ, किसी के साथ मिलकर किसी को गाली देना आपकी रिवायत नहीं थी, जो शख्स आपकी चादर का मजाक उड़ाता था आप उसके पक्के दोस्त कैसे बन गए, आप हमें बेशक बुरा भला कहें लेकिन हम आपसे इसी तरह मोहब्बत करते रहेंगे। कहते हैं गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगोदों में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात की है, मुझे बड़ा दुख हुआ, इनकी शख्सियत से ये जेब नहीं देता था। जिस तरह इनका मजाक पीटीआई वालों ने उड़ाया, बानी पीटीआई ने उड़ाया, यकीन माने मुझे सोने की कान भी कोई देता ना मैं उधर मुंह ना करता। मैं कहता भाईजान वजारत उज़्मा पास रखे, लीडर ऑफ द अपोजिशन पास रखे, मेरे पास चादर नहीं है और ना ही मैं चादर का मजाक उड़ाऊंगा, चादर एहतराम वाली चीज है, लेकिन उस एहतराम को जैसे रोला गया तो अचकज़ई साहब वो बंदा क्या दोबारा पक्का आपका दोस्त भी बन गया, इस पे जरा थोड़ा सा सोचिएगा। उस वक्त खड़े होकर कौन डिफेंड करता था, इन असेंबलियों के अंदर हम लोग थे जो कहते थे कि सियासत में रवादारी को कायम रहना दें।
किसी के साथ मिलकर किसी को गाली देना, ये शायद आपकी रवायत नहीं थी। फिर वो खानदान जिसने आपकी इज्जत हमेशा की है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, आप हमें बुरा भला कहें, बेईमान कहें, गाली दें, अचकजई साहब हम आपके छोटे भाई हैं, हम आपसे उसी तरह मोहब्बत और प्यार करते रहेंगे। हमें भी उम्मीद है कि आप उसी तरह दिल से पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और प्यार करते रहेंगे जैसे पहले करते रहे हैं।